रेवाड़ी शहर की छोटी छोटी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, चाहे बाजार में अतिक्रमण की समस्या हो या बाजार में चार पहियों की वाहनों की एंट्री हो और या फिर बाजार में अवैध निर्माण, उनको लेकर के लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ अफसोस और शर्म की बात यह है कि बार बार खबर दिखाए जाने के बावजूद भी ना तो शासन को कोई फर्क पड़ रहा है ना ही प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है। आपको बताएं, रेवाड़ी के बाजार को लेकर के हम लगातार अपनी मुहिम चलाए हुए हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी बाजार में आता है वो कितनी परेशानियों का सामना करता है। और इस वक्त त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, लोग अभी हाल ही में कोरोना की मार को झेल करके उठे हैं, व्यापार पूरी तरीके से उन लोगों का चौपट है और ऐसे के अंदर बाजार की जो अव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए गले की फांस बनी हुई है। शासन प्रशासन को पिछले कई वर्षों से लगातार इस मुद्दे से जूझना पड़ रहा है। हालांकि सरकार किसी की भी नहीं हो, आज तक कोई भी व्यवस्था बना नहीं पाया है। कई सरकारें आई कई चले गई, यानी कि अब जो मौजूदा सरकार है वो भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही है। आपको बता दें, रेवाड़ी एक ऐसा शहर है जो जिसका बाजार काफी खुला है, अवैध निर्माण कर करके अपनी दुकानों को आगे बढ़ाया हुआ है, तो वो बाजार आज सुकड़ करके छोटा सा हो गया है। आप रेलवे रोड को गोकर गेट चौकी से देखेंगे तो आपको बेहद चौड़ा नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको सीधा सीधा अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से लोगों ने वहाँ अवैध निर्माण किए हुए हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं मॉडल टाउन के अंदर, यानी कि मॉडल टाउन में भी इस कदर अतिक्रमण पसरा हुआ है, अवैध निर्माण लोगों ने किया हुआ है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं और ये होर्डिंग लगा करके किस तरीके से वहाँ कब्जा किया हुआ है। सीधा सीधा ये अतिक्रमण आपको हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से लोगों ने अवैध निर्माण भी किया हुआ है अपनी दुकानों के। आप देखिए, वैसे तो नगर परिषद से जब आप परमिशन लेंगे तो डेढ़ दो ढाई फुट का भी वो छज्जा नहीं निकालने देते, लेकिन यहाँ दुकानों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े छज्जे निकले हुए हैं। ऐसा ही हाल कमोबेश रेवाड़ी के ज्यादातर हिस्सों का है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह इस तरीके का अवैध निर्माण यानी कि आपको दिख जाएगा। हालांकि नगर परिषद कभी कभार कार्रवाई करती है और अतिक्रमण भी हटाने आती है, लेकिन जब अतिक्रमण हटाने आती है तो साथ में वो अपनी चालान की मुहिम को लेकर आती है और उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं और इक्का दुक्का दो दिन कार्रवाई करके नगर परिषद फिर कुंकर्णी नींद सो जाती है। पिछली योजना के अंदर जो है भाजपा के विधायक थे, उससे पहले लगातार कांग्रेस के रहे और उसके बाद अब फिर कांग्रेस के विधायक है, लेकिन बाजार की समस्या को लेकर के, इस परेशानी को लेकर के किसी ने भी आज तक कोई सोचा नहीं है। बाजार में बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि शहर के बाजार का सौंदर्यकरण किया जाएगा, वो हुआ नहीं। आज हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में आप ये गाड़ियां देखिए किस तरीके से, जब मॉडल टाउन में एंट्री होती है वहां से लेकर के किस तरीके से गाड़ी की वहां लाइन लगी हुई है, लोग सड़कों पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। लेकिन सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जिस रफ्तार से गाड़ियां बिक रही है, आए दिन गाड़ियां भर रही है शहर के अंदर, उस हिसाब से उस रोड को भी चौड़ा किया जाए और उसके लिए व्यवस्था बनाई जाए, तो ऐसा हुआ कुछ नहीं। और यही स्थिति हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप बाजार में घुसेंगे या मॉडल टाउन में घुसेंगे, ऐसा कोई रेवाड़ी शहर का एरिया नहीं है जहाँ अतिक्रमण, अवैध निर्माण और भारी वाहनों की एंट्री या चार पहियों की एंट्री से लोग परेशान ना हो। आज हमने इसीलिए मॉडल टाउन का दौरा किया, मॉडल टाउन में हमने पाया किस तरीके से स्थिति खराब है। हालांकि आपको बता दें, अभी हाल ही में नया रोड बना है, जैसा हम बता रहे हैं वहाँ काम भी चल रहा है, लेकिन जब हमने वहाँ के जो प्रधान है उनसे हमने कहा कि आप लोगों ने इतना अतिक्रमण किया हुआ है, क्यों नहीं आप लोग अतिक्रमण को अपने को हटाते हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं। काफी सारे सवाल हमने उन संस्था के लोगों से किए हैं जो बिहार के प्रधान चुने गए हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। हालांकि वो भी अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ ये गलत है। आप लोगों ने भी लगा रखे, नहीं लगता है आप लोगों का काम बनता ही नहीं हर दिन आए दिन दुकानदार के साथ झगड़ा करते हैं, गाड़ी हमारे रोड के बीच में जंग कर जाते हैं, ग्राहक हमारे दुकान के अंदर जा रही है, ग्राहक हमारे समस्या तो बोल रहे हैं।
तो अब तो आप स्वयं प्रधान, आपको नहीं लगता कोई कार्ड तैयार किया जाए, मैप ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जिससे एप्लीकेबल भी हटे, पार्किंग की सुविधा भी हो? सर इसमें इस रोड पे ना पार्किंग नहीं मिल सकती बात सही है। अब जैसे कस्टमर जो आते हैं गाड़ियाँ कहाँ, तो बाइक गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें, या तो कोई पेड़ साइट हो यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने भी बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, बोर्ड भी गलत है, बोर्ड की वजह से भी आपके रोड भी नया बन गया, टाइले भी लग गया, आपके पास दुकानों को एक ये बहुत सारा लोगों ने अवैध निर्माण कर दिया, उसके पास पार्किंग नहीं है, तो आपको लगता है वहाँ भी आप लोगों को गाड़ियाँ ना लगने दें? प्रधान होने के नाते आपकी ज्यादा जवाबदेही बनती है, मैं आपकी ज्यादा जवाबदेही बनती है, उनको विजिट में नोटिस दूंगा कि जितने भी आपके एम्प्लॉय बाइक की चुनौती होती है अपने पार्टी की तरीके से होती है, बाद में फिर प्रशासन का अवगत करवा सकते हैं। चारों तरफ हम जो देख रहे हैं लोग रोड के चारों तरफ देख रहे, गाड़ियाँ गाड़ियों को लगनी ना लगी, रोड पे सर कार 24 आवर 24 घंटे हमेशा होना चाहिए, इतनी भीड़ होती है, अच्छी मार्केट है, महंगी मार्केट है, यहाँ तो सेफ्टी के लिए कार तो होना ही होना चाहिए। कोई शहरी आपको दो तीन कार ऐसे खड़े करते हैं, गाड़ियाँ लोग ना खड़ी करके जाए, प्राइवेट आदमी मारते हैं वो झगड़ा करेंगे, वहाँ से 100% झगड़ा करेंगे, इसलिए प्रशासन अगर अपने सहयोग करें तो शायद ये काम हो सके। चलो उपायुक्त महोदय आ रहे हैं, आपको लगता है आचल में जल जरूर अवगत करवाऊंगे, आचल में जल जरूर अवगत करवाऊंगे। सुनिए अपना, मेरा नाम अजय मिश्र है, हमारे तो मेरा नाम अजय मिश्र है। लीजिए देखिए आपके स्वयं मार्केट भी इधर आपके स्वयं मार्केट देख रहे हैं, कितनी सारी समस्या है जाम की, यहाँ गाड़ियाँ लोग बीच में खड़ी कर जाते हैं, आपका रोड भी नया बन गया, टाइलें लग गई है रोड में, आपको नहीं लगता व्यवस्था आपको बढ़ानी चाहिए रोड वगैरह? रोड का तो सर ऐसा है, रोड के लिए हमने पहले भी लगभग 2 महीने पहले दुकानदार को अवगत कराया था कि सभी सभी अपने अपने रोड कर रहे थे, लेकिन उस काम चल रहा था उसकी वजह से शायद ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन बोर्ड की जहाँ तक है बोर्ड तो हम हटवाएंगे, बोर्ड की जहाँ तक है तो बंद हटवाएंगे यहाँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर पार्किंग, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कोई भी यहाँ पे शॉपिंग करके आता है या कोई वैसे घूम जाता है, गाड़ियाँ लगा कर ले जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं आते हैं, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पार्किंग की, सबसे बड़ी परेशानी। हम तो प्रचार यही निवेदन करेंगे, हम तो कोई ना कोई पेड़ पार्किंग यहाँ बनाई जाए, जिससे कि आने जाने वाली पब्लिक को भी और दुकानदारों को भी किसी दिक्कत का सामना करें। हम ये देख रहे हैं गांधी कम से कम 200 गाड़ियाँ आने जाने वालों को दिक्कत आती है, गाड़ी में 100 रुपये का होगा उसका, अब आपको स्पेस भी मिल गया बाइक के लिए आपके लिए बाइक पर, तो आपको नहीं लगता कोई व्यवस्था ऐसी बने, आपको नहीं लगता आपको सुझाव दे प्रशासन को कोई डिस्ट्रिक करके आ रहे हैं कोई किसी तरीके से पार्किंग की समस्या का समाधान हो? वैसे पार्किंग बाल भवन में भी है, वैसे पार्किंग पटवार भवन में भी जगह है काफ़ी, पटवार भवन में है जो उसमें भी काफ़ी जगह है, कुछ अगर प्रशासन चाहे तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने अभी तक इतना कभी ध्यान दिया हो, कल पीर साहब आएंगे हम उसी को ज़्यादा कराएंगे, ताकि देखते हैं लोगों ने हमने देखा हुआ है कब्जे भी की होगा, थोड़ी सी आप ये देख रहे होंगे अभी भी है, जो बिल्डिंग है अभी भी है, अभी भी है मार्केट में 1.5 फुट का होता है, कहीं 4 फुट का सज्जा बना हुआ है, 5 फुट कवर किया हुआ है, ये मेरा भी निकल है, हम भी हम ये भी चाहते हैं कि इलीगल ना रहे, हम ये बताते हैं कि इलीगल ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हटवाएंगे जी, हमारे प्रधान निकुल राम जी ने पहले भी कहा था दुकानदारों को बोर्ड हटवाने के लिए, कहा था रंग बिरंगे करेंगे जितने बोर्ड बाहर लगते हैं। सुना आपने, हमने मॉडल टाउन के जो प्रधान है उनका सुनाया, वो भी मान रहे हैं कि वाकई समस्या बड़ी है, और कल जिला उपायुक्त एक दुकान के शुभ मुहूर्त करने आ रहे हैं, तो वो उनसे उस मौके पर बात भी करेंगे, मॉडल टाउन की समस्या को भी रखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मॉडल टाउन की जो समस्या है वो कैसे हल होती है, क्योंकि मॉडल टाउन में एक सबसे बड़ी समस्या है जो बैंक है वहां पर, एक निजी बैंक, उसके पास अपनी कोई पार्किंग है नहीं, और सबसे ज्यादा आवागमन वहां लोगों का उस बैंक में होता है, और बैंक के कर्मचारी
जो है वहां पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, लोग सबसे ज्यादा इसको लेकर के परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब बैंक के पास पार्किंग नहीं है, क्यों नहीं वो अपनी व्यवस्था वहां बनाता है पार्किंग को लेकर के, कि जब बैंक सबसे ज्यादा कमाता है तो जाहिर है उसको अपनी व्यवस्था भी पार्किंग की बनानी चाहिए, और शासन प्रशासन को भी चाहिए कोई पार्किंग की मॉडल टाउन में व्यवस्था की जाए। हालांकि आपको बता देते हैं कि बाल भवन में और कम्युनिटी सेंटर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग वहां ना खड़ी करके और मेन रोड पर गाड़ियों को खड़ी करके चले जाते हैं, चाहे कंप्यूटर मार्केट हो चाहे गांधी चौक हो, पूरा आप हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग वहां गाड़ियां खड़ी कर करके चले जाते हैं और घंटों तक वहां से आते नहीं है अपनी गाड़ियों को लेने के लिए। तो दुकानदारों में भी इस बात को लेकर के रोष है, और ऐसी ही स्थिति हम आपको लगातार रेवाड़ी के मोती चौक हो, घंटेश्वर मंदिर हो, जीवनी बाजार हो, आपका रेलवे रोड हो, तमाम बाजारों की हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको अंत में एक जानकारी दे देते हैं कि हालांकि हम जो मुहिम चलाए हुए हैं उसका असर देखने को भी मिलता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर पूरा नहीं होता, आदेश पारित होते हैं और आदेश के बाद उन आदेशों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। आज ही प्रशासन ने हमें जो है दिशा निर्देश भेजे हैं, गाइडलाइन क्या होगी बाजार में, धारा 144 का उसमें जिक्र किया गया है, और बाजार में जो चार पहिए की गाड़ियां हैं, जो बाहरी वाहन है, उनकी एंट्री पर बैन लगाया गया है। लेकिन ये लगातार जब हमने पहले भी जिला उपायुक्त से बात की थी, उन्होंने कहा था हमने धारा 144 लगा दी है और बाहरी वाहनों की एंट्री को रोका जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी हुआ नहीं। एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, त्योहारी सीजन है, अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक उन निर्देशों का पालन किया जाएगा। लगातार हम आपको ये चीजें दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, एचआर न्यूज अपने इस मुहिम को छोड़ने वाला नहीं है। लगातार हम आपको जो है आम आदमी की समस्या, जो बाजार में लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, उनकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है, दुकानदारों की परेशानी क्या है, रेहड़ी वालों की परेशानी क्या है, वो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब त्योहारी सीजन है और किस तरीके से इन सब चीजों को बैन किया जाता है, प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बाहरी वाहनों की एंट्री का जो हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, अतिक्रमण का मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से बाजार में व्यवस्था बनाई जाए, क्या कोई बड़ा अधिकारी बाजार में जाकर के इस चीज को देखेगा, मुआयना करेगा कि क्या व्यवस्था बनाई जाए, पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो, कहां कहां पार्किंग बन सकती है। हालांकि जिस तरीके के दिशा निर्देश आज दिए गए हैं उसमें कुछ चीजें बताई गई है कि जो बाहरी वाहनों की एंट्री नहीं होगी, अब देखने वाली बात यह है कब तक इन दिशा निर्देशों का पालन होता है। Mm-hmm.